हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर फ्रेंड सतीश वर्मा जी। और आज है संडे मॉर्निंग, ठीक है। और ये कोई साथ में से फोटो जो मैं दिख रहा हूँ, सुबह के बज चुके हैं, उन्हें 6 बज चुके हैं। और आज हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं, मतलब बहुत ही पवित्र जगह है, भूत पेत्रो मानो वो जगह है ना, उसके नाम से ही डरते हैं। सो गेस कीजिए, आप हम लोग कौन सी जगह पे जा रहे हैं? जी हाँ, आप लोगों ने शायद सही गेस किया होगा, हम लोग जा रहे हैं सारंगपुर हनुमान दादा के दर्शन के लिए, ठीक है। इसे तो जल्दी निकलना था लेकिन अभी लेट होगा ना, हम क्या करेंगे। लेकिन चलिए हम लोग अभी निकलते हैं वहां पर, फटाफट आपको रास्ते में मिलता हूँ। सो गाइस, सुबह में वैसे तो मुझे मॉर्निंग में जल्दी निकलना था, सोच रहा था कि सुबह मॉर्निंग में जल्दी निकल जाऊंगा 4:30 या 5 बजे के आसपास, लेकिन क्या करें यार, रात को लेट हो गया सोते सोते, तकरीबन 12-1 बज चुके थे, तो सुबह जल्दी में निकलना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। सुबह मैंने अलार्म तो लगाया था लेकिन उठ नहीं पाया। सो 5 बजे उठा, फिर फ्रेश होके तकरीबन अभी 6 बजे होंगे। सो अभी 6 बजे हम लोग निकल रहे हैं वडोदरा से सारंगपुर के लिए। तो हम लोग आज टोटल 3 जगह पे जाने वाले हैं, सारंगपुर और सारंगपुर के पास और 2 जगह हम लोग वहाँ पे जाने वाले हैं। सो पहले हम लोग जो दूसरी जगह वहाँ पे जाएंगे, कुंडल धाम करके वो जगह वहाँ पे, क्योंकि क्या टाइमिंग रहता है 6 से 12, तो हम लोग अभी ऑलमोस्ट 6 बजे निकल रहे, तो जाते जाते शायद हमको 9 या 10 बज जाएंगे। तो पहले हम लोग कुंडल धाम दर्शन करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे सारंगपुर, वहाँ के दर्शन करेंगे, और उसके बाद और एक प्लेस है वहाँ पे ही नज़दीक में, शनिदेव का एक मंदिर है, तो हम लोग वहाँ पर भी जाएंगे। और ये तीनों प्लेस है उसके वीडियो आपको सेपरेटली मिल जाएंगे, सो आप चैनल पे चेक आउट करके देख लेना। सो ये है नेशनल हाईवे नंबर 8। सो लेट्स गो, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग में बाइक चलने का मज़ा ही कुछ अलग है। जब आप राइडर होते हैं मेरे जैसे, आप वो मेरे साथ रिलेट कर पाओगे, वो रिलेट कर रहे होंगे कि संडे मॉर्निंग और ऐसे राइड करने में मज़ा ही अलग है, मतलब बहुत मज़ा आता है यार। सो चलते, और आज आपको पता ना हो तो शायद मैं सोलो आया हूँ, ठीक है। मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला लेकिन किसी को काम था, कोई आना नहीं चाहता था, सब लोग के अलग अलग बहाने थे, तो सोचे चलो अकेले ही चला जाता हूँ, क्या करेंगे अब किसी के साथ, जब ऐसे नहीं कर सकते ना कि भाई चला आ तू मेरे साथ, हम लोग जाएंगे, जिसकी मर्जी हो वो आए, जिसकी मर्जी हो ना आए, हमारा क्या, हम तो अकेले चल लेंगे। नहीं, ऐसा ही होना चाहिए, अकेले आए थे अकेले जाना है बस, आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो भी ठीक है। सो ये सारंगपुर है, ये अराउंड यहाँ से हमारे वडोदरा से कुछ 200 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, तो आज की राइड मेरी शायद होने वाली है 400 के आसपास, 200 जाने के और 200 आने के, मतलब 400 किलोमीटर के आसपास हम लोग की आज राइड होने वाली है, वो भी हमारी पल्सर 125 पे। तो आई थिंक आप लोग को शायद पता ना हो तो इस पर मैंने और लंबी एक राइड कर चुका हूँ, शामला जी वाली, जो कि एक दिन में कुछ 500 प्लस किलोमीटर थी। तो आप लोग को शायद एक क्वेश्चन होगा कि भाई पल्सर 120 में टूरिंग कर सकते कि नहीं कर सकते, तो आज आपको आंसर मिल जाएगा शाम को, ठीक है। और ये देखो मेरे बाजू में ये गोल्डन चौकड़ी, यहाँ पे है एयरपोर्ट, ऐसे रनवे है यहाँ पे एयरपोर्ट का। और भाई साहब ये इसने कहाँ घुसा दी पूरा, मतलब वो रेलिंग पे ही चढ़ा दिया सब कुछ, और बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं तो ध्यान से चलाना है हमको भी। ओहो हो, देखो देखो यार, सुपर राइड करने में मज़ा ही अलग है। सो अभी हम लोग निकलते हैं फटाफट और आगे आपको रास्ते मिलता हूँ, ठीक है, चलिए लेट्स गो। सो गाइस, फाइनली हम लोगों को पहुँचने हैं यहाँ पे, तकरीबन कितने 300-400 मीटर ही दूर होगा, हम लोग कुंडलपुर से दूर है, पहुँचने ही वाले हैं शायद सामने। हाँ सामने, ये सामने बोर्ड लगा हुआ है कुंडल धाम का, तो यहाँ से हमको लेना है राइट, हम लोग राइट लेंगे यहाँ से। और ये देखो सामने ये कुंडल धाम, ये सीधा सा सारंगपुर जाता है
और यहाँ पे ऐसा राइट लोगे तो ये आएगा, ये बीच में ही आता है। तो अंदर चलते हैं, लिखा है पार्किंग इस तरफ है। ओके सो फाइनली गाइस हम लोग अभी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, अराउंड 200 किलोमीटर की राइड करके हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। सो हमने यहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क कर दी है, जो आप मेरे पीछे देखते हो जो पूरा एरिया वो पार्किंग स्लॉट है, ठीक है, जो पूरा फोर व्हीलर पार्किंग और मेरे पीछे वो टू व्हीलर पार्किंग है। तो यहाँ पे पार्किंग का चार्ज फ्री है, वैसे पैसे नहीं है तो अच्छी बात है। और जब पीछे यहाँ पे गाड़ी उसके पीछे शौचालय है वो भी यहाँ पे मुफ्त है। तो चलिए आगे चलते और देखते, और बहुत यार बहुत धूप है, बहुत हार्ड कोर वाली राइड करके यहाँ पे आए, चलिए आगे चलते आपको दिखाते हैं। आप लोग जैसे ही पार्किंग से अंदर आओगे तो यहाँ पे साइड सब बैठने के लिए जगह पे यहाँ पे बनाई हुई है इन लोगों ने। ये जो पूरा ही जो संस्था है कुंडल धाम, ये स्वामीनारायण के अंदर में आती है, आई थिंक BAPS के अंदर में आती है। तो उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है सब यहाँ पे सब बना हुआ बैठने के लिए, तब आप लोग आते हो तो यहाँ पे बैठ सकते हो उसी तरीके से। तो यहाँ पे इन लोगों ने जो भी प्राणी होते उन लोगों की यहाँ पे लोगों सब मूर्तियाँ ऐसे बनाई हुई यहाँ पे उन लोगों ने। अब छोटे बच्चों को लोग क्या होगा तो बहुत मजा आएगा, ये देखो इसे जीरा जैसे बना हुआ है, ये आपको नील गाय यहाँ पे बनाई हुई है, यहाँ पे नील गाय है, छोटा हिरन है, ये टाइगर उन लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है, दूसरे को रियल दिखेगा पता चल, अच्छी बात है बच्चों के लिए आते हो तो उनके काम की चीज है। ये सारंगपुर से बिल्कुल पास में है, अराउंड यहाँ से सारंगपुर कुछ 11 किलोमीटर से होता है, ज़रा नज़दीक नहीं होता, ज़रा दूर नहीं होता, बहुत नज़दीक होता है, काफ़ी सारी चीज़ उम्र बनाई होता है। फिर यहाँ पे तालाब है और वो जो दिख रहे हो वो पीछे वो फयाना है शायद आईना हमने बनाया हुआ है। आगे और भी ऐसी चीज़ है बताता हूँ, चलिए यहाँ पे और भी इन लोगों ने कुछ ऐसा बनाया हुआ है। यहाँ पे लायंस है, लायंस फैमिली यहाँ पे ऐसा बना हुआ है और ये सब फ्री चार्ज है, इसमें कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। यहाँ पे आप आ सकते हो ऐसे फ्री में घूम सकते हो, मुक्तेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं। देखो इसके किनारे पे वहाँ पे लोग सब बनाए हुए एनिमल्स, लायंस और बतख और समथिंग कुछ है लोगों ने यहाँ पे बना हुआ है। सो इस तरफ है मेरे पीछे महादेव की मूर्ति और इस तरफ है स्वामीनारायण जी, तो ये बीच में ब्रिज है, ब्रिज पे इस तरफ है महादेव की मूर्ति और इस तरफ है स्वामीनारायण जी की मूर्ति नीलकंठ वर्णी। वो देखो छोटा कछुआ जैसा बनाया हुआ लोगों ने, पर आप लोग को नहीं पता है तो पर जो स्वामीनारायण थे उनका नाम पुराना नाम मतलब पहले जो नाम था वो घनश्याम पांडे था उनका नाम, और उनको नीलकंठ वर्णी भी बोलते हैं प्यार से सब लोग। सो ये उनका नाम है और यहाँ पे मूर्ति है कि स्वामीनारायण जी की, तो वहाँ पे उस तरफ शिव जी की मूर्ति है। और हम लोग चलते, आप लोग सीधे सीधे इसे अंदर आओगे यहाँ पे डायरेक्टली आपको जो मुंडेश्वर परिसर है वो दिखेगा। यहाँ पे काफी सारी चीज यहाँ पे उन लोगों ने बनाई हुई है, सब पुतले मतलब बनाए हुए हैं। ये देखो बड़ा सा एलिफेंट उन लोगों ने बनाया हुआ है, तब उसके साथ जाके मतलब फोटो वगैरह खिंचवा सकते हो, मतलब बेबीज के लिए बहुत ही अच्छी है प्लेस है, उन लोग को तो मजा आने वाला है। ये देखो मस्त बना वैसा छोटा उन लोगों ने ऐसा मस्त बना हुआ, देखो ये है ऐसा बड़ा वाला है, छोटे क्या बड़े को भी मजा आ जाए ऐसी प्लेस।
और आगे भी और एक है, इस तरफ भी और एक है, ऐसा ही सेम एलिफेंट बनाया हुआ। तो सब लोग फोटो खिंचवा रहे हैं वहाँ पे। अभी आगे चलते, सो बेसिकली यहाँ पे शायद तीन मंदिर है, एक ये वाला मंदिर है, एक ये और एक ये है, इसे बोलते हैं दरबार गढ़, और एक शायद मंदिर है चंद्र भगवान का मंदिर है, रो स्वामी का मंदिर है। सो तो तीनों मंदिर के दर्शन करवाते हैं और आपको यहाँ का इतिहास बताते हैं। चलिए, सो ये है नलेश्वर महादेव का मंदिर। आपको बता दूँ ये जो शिवलिंग है 200 साल पहले की थी उन्होंने शिवलिंग की स्थापना, और जो भी लोग हैं उनको पाप मुक्त करने के लिए यहाँ पर उन्होंने स्थापना की। तो पूरा मंदिर मैं आपको दिखाता हूँ, मंदिर का पीछे का भाग। ये शिवलिंग की स्थापना भगवान स्वामीनाथन ने खुद की थी अराउंड 200 साल पहले कुछ की थी, मुझे इतना पता तब तक मतलब वहाँ तक उतना याद है, काफी अच्छी है। और ये जो पीछे है वो शायद वो दरबार गढ़ है, वहाँ पे जो स्वामीनारायण रहते थे उनका सब कुछ बना हुआ है, लोगों ने उसी की रेप्लिका बनी हुई है, लोग वहाँ पे जाएंगे तो भी आपको दिखाता हूँ। मेरे पीछे था वो जो वो मंदिर है नलेश्वर महादेव का, ठीक है, तो हमने वहाँ पे तो दर्शन कर लिए, वही हम जाएंगे स्वामीनारायण के दर्शन करने, जो वहाँ पे मैंने आपको दूसरा मंदिर बोला था वहाँ पे ये वाला मंदिर है, तो यहाँ पे चलते हैं आपको दर्शन करवाते हैं मंदिर के। तो गाइज ये जो दरबार गढ़ है वहाँ पे लोगों ने बोला शूटिंग अलाउड नहीं है, मैंने उनके ऑफिस में भी जाके बात की लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं यहाँ पे शूटिंग और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, हम लोग ने फोटोग्राफी सब कुछ की नहीं वहाँ पे, मैं वहाँ पे उतर नहीं पाया, वीडियो शूट कर नहीं पाया। सो अंदर जो भी भगवान है स्वामीनारायण भी उन्होंने लीलाएँ की हुई है, वो यहाँ पर मूर्ति के स्वरूप उन्होंने बनाई हुई है और दिखाया हुआ है, तो आप लोग अगर अंदर जाओगे और एक बार देखोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, बहुत ही ब्यूटीफुल अलग है, आपको वहाँ पे आके एक्सपीरियंस, यहाँ पे आके एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, और वीडियो में तो आपको नहीं आ पाएगा वो। और ये इसको जो टाइमिंग है वो टाइमिंग कुछ सुबह नॉर्मल डेज में मंडे टू सैटरडे कुछ 8 बजे से तकरीबन 12 बजे है, और 12 से 3 बंद रहता है, और 3 बजे से शाम को आई थिंक 8 बजे तक ये खुला रहता है। और जो ये वाले दो मंदिर है, ये स्वामीनारायण का मंदिर और ये कुंडलेश्वर महादेव, ये दोनों ओपन होते हैं, और जैसे संडे तो शायद 1 घंटे का कुछ वो लोग गैप बैकअप जैसा कुछ देते हैं, तो मान लो अगर 12 बजे बंद होता है तो वो मंदिर कुछ 1 बजे बंद हो गया ऐसा कुछ है, और जल्दी खुल जाएगा, 3 बजे खुलता है तो 2:30 बजे खुल जाएगा, ऐसा सब कुछ यहाँ पे है। तो अभी हम लोग चलते हैं जो घनश्याम पांडे, शायद उन लोग को नाम था उसका, जो भी सब बच्चे खेल रहे थे वहाँ पे जो बंद का, हम लोग वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे खींच के खाते हैं। तो वो यहाँ पे है, ये जो चमत्कारी पत्थर है, लिखा है कि पत्थर पे स्वामीनारायण भगवान ने बांसुरी बजाई थी ऐसा जो पत्थर बांसुरी। तो यहाँ पे ये पत्थर भी, इस पत्थर मारोगे तो आपको बांसुरी जैसे आ जाएगी, ऐसे पत्थर पे मारोगे ऐसे पत्थर जैसे आ जाएगी, ऐसी आवाज़ नहीं आएगी। तो सभी पत्थर पे अलग अलग जैसी आवाज़ आएगी, सेम सभी में सेम जैसी आवाज़ आएगी। तो ये चमत्कारिक पत्थर जैसा है,
ऐसा ही पत्थर मैंने आपको शायद बताया था मेरे वीडियो में, जो था कहाँ गया था मैं, हाँ महाकाल के मंदिर गया था सापली, वहाँ पे सेम पत्थर था वैसा ही पत्थर यहाँ पे है। ये देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ है, सब ऑफिस वगैरह भगवान स्वामीनाथ जी की मूर्ति वगैरह सब यहाँ पे देख सकते हो, और जो सब थाल वो सब करना हो तो यहाँ पे दे सकते हो। और यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिस है, यहाँ पे इंक्वायरी ऑफिस है, और यहाँ पे हाँ दोपहर में लंच की भी यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। ये लोग देते हैं दोपहर में कुछ 12 बजे के आसपास लंच होता है, तो आज मैं भी यहाँ पे शायद लंच करने वाला हूँ, देखता हूँ अगर हो पाएगा तो आपको भी वो दिखाऊँगा कैसा वैसा लंच क्या है। तो अभी तो हम लोग चलते हैं, जो बच्चे वगैरह खेलते हैं वहाँ पर आपको आगे मिलते हैं और दिखाता हूँ, चलिए। सो यहाँ पे एग्जिट पार्किंग के बाजू में यहाँ पे सब बच्चों के खेलने के लिए बना हुआ है, इसका नाम है घनश्याम पाल वाटिका, जो कि भगवान स्वामीनारायण के नाम पे उन लोगों ने बना हुआ है यहाँ पे। सो आप अगर अपने बच्चों को लेकर आते हो तो यहाँ पे खेलने के लिए बहुत ही अच्छी ओवर प्लेस मिल जाएगी और बच्चे बड़े एंजॉय करने वाले हैं यहाँ पे। मैं तो अंदर नहीं जाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ, देखो सब प्लेसेस वहाँ पे सब बना हुआ है उन लोगों ने। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बस इस वीडियो के लिए इतना ही, यहाँ पे सब इतना ही कवर किया, इतना ही था एक्सप्लोर करने के लिए। और मैं यहाँ से जाने वाला हूँ और एक मंदिर, क्योंकि बाजू में ही है शायद बहुत ही नज़दीक है, कुंडर शनिदेव का मंदिर है यहाँ पर, और एक शनिदेव और वहाँ पर हनुमान जी की बड़ी मूर्ति है, तो हम लोग पहले वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आऊँगा। लंच अभी मेरा बाकी है, यहाँ पे बोला है कि लंच की सुविधा उपलब्ध है, यहाँ पे लंच करके फिर मैं सहारनपुर के लिए निकलूँगा, वहाँ पे एक्सप्लोर करूँगा और फिर देन वी विल गो अवर होम।